कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर पिछले एक साल से लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने कहा इस बयान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह दृश्य संघ ने उस समय नहीं देखा जब मणिपुर जल रहा था। आज एक साल बाद जब परिस्थितियां और बिगड़ गईं, मणिपुर पुलिस की दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ गोलाबारी हो रही है, एक मुख्यमंत्री के कारवां पर हमले हो रहे हैं, कितनी महिलाओं को इस मामले में बेइज्जत किया गया, तब ये सब संघ को दिखाई नहीं दिया। और अगर अब ये संघ को दिखाई दे रहा है तो इसे स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि ये संघ का एक राजनीतिक स्टंट है। देखिए, ये देश का की जो परिस्थिति है, जब राहुल गांधी मणिपुर में जाकर लोगों से गले मिल रहे थे, क्या वो दृश्य जो है संघ ने उस समय नहीं देखा था? आज एक साल बाद जब परिस्थितियां ये हो गई हैं कि मणिपुर की पुलिस और दूसरे पड़ोसी राज्य की पुलिस आपस में जो है गोलीबारी कर रही हैं, जब जो है एक मुख्यमंत्री के कारवां को जो पर जो है हमले हो रहे हैं, तब जाकर ये बात हो रही है। इस देश में एक साल से लोग देख रहे हैं कितनी महिलाओं को बेइज्जत किया गया, कितनी महिलाओं को शर्मसार किया गया, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, क्या ये देश को दिखाई नहीं पड़ा था एक साल पहले? आज अगर ये दिखाई पड़ रहा है तो ये जो है अंतर्भावना, इसको जो है स्वीकार करना मेरे मन में नहीं है। ये जो है एक तरह का राजनीतिक स्टैंड है क्योंकि सरकार के खिलाफ जो मंतव्य आया है देश की जनता के माध्यम से, वो मंतव्य की कंपल्सन है, ये उसकी जो है उसका दबाव है, उसकी मजबूरी है कि आप इस तरह के बयान दें। अगर ये उनकी भावना सही है तो मैं सबसे पहले उनसे ही निवेदन करूँगा कि वो मणिपुर जाएं और मणिपुर की वास्तविकताएं सरकार के सामने रखें, संघ के जो है प्रमुख होने के नाते, तब देश में एक नया वातावरण बनेगा, भाईचारे का वातावरण बनेगा और एक जो है देश की एकता का वातावरण बनेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।